नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। मेट्रो की सुविधा हो, पानी है, रास्ते हैं, अच्छे अच्छे बगीचे हैं, ये सभी प्रकार की सुविधा देना है। और इसके लिए मुंबईकर जनता इस बार
भारतीय जनता पार्टी और बाला साहेबांची शिवसेना ये दोनों पार्टियों को 100% बहुमत देगी और 150 से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कमल इस बार खिलेंगे। अदल का सर, आपने अभी अपने भाषण में बहुत से आरोप भी लगाए हैं, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी खासकर अभी जो वर्तमान मौजूदा सरकार? भ्रष्टाचार के आरोप तो हमने लगाए हैं और कैग का भी अभी ऑर्डर इंक्वायरी की है। आने वाले दिन में हम भ्रष्टाचार के और सबूत देंगे और जब जनता के बीच में कोई भी जाएगा तो वो लोगों को इस सभी बातों का जवाब देना पड़ेगा। सर एक सवाल है अतुल जी, युवराज जी, युवराज मतलब राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी के ऊपर टिप्पणी की है जो नहीं करना चाहिए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वो आंदोलन के कारण कल उनकी जो शेगांव में सभा थी उस सभा में उन्होंने जबान से एक शब्द नहीं निकाला, तो हमारे आंदोलन के कारण राहुल गांधी डर गए, इतना ही मैं कहूँगा। नहीं, आज वर्सोवा विधानसभा में जागर मुंबई का इस कार्यक्रम में एक जाहिर सभा भारती तेल हवेकर जी ने आयोजित की थी और बहुत ही बढ़िया इस प्रकार की सभा आप देख रहे हैं। जनसैलाब उमड़ पड़ा था और साफ दिखाई दे रहा है कि मुंबईकर जनता के मन में महानगर पालिका पर जिस शिवसेना ने इतने बरस से सत्ता की है उनके खिलाफ एक लोगों के मन में आक्रोश है और अभी मुंबई कर जनता ये अच्छी सड़क, पानी, इस प्रकार की नागरिक सुविधा चाहती है। इस वार्ड में ये हो रहा है आपका प्रोग्राम, यहाँ पे नगर सेवक शिवसेना का ही है, तो क्या तैयारियाँ होंगी अगले महानगर पालिका चुनाव? नहीं देखो, इस बार तो मुंबई कर जनता ने ये तय किया है कि इस बार मुंबई में परिवर्तन लाना है और मुंबई के, जैसे मैंने कहा जी, यहाँ पे आए वर्सोवा विधानसभा का जो माहौल था वो बहुत ही बढ़िया था उनका स्वागत करने के लिए, और यहाँ पे जो काम रुकवाए गए 2.5 साल में बीच में बहुत तकलीफ दी, और यहाँ पे जितने भी काम थे वो मतलब 10% रह गए थे, ऐसे काम भी रुकवा दिए गए जहाँ पे उन्होंने पैसे भी नहीं दिए थे, यहाँ तक कि यहाँ की जो नगर सेविका है उसने मेरा जो शौचालय मेरे निधि से बना हुआ था वहाँ जाके सीधा मेरी पार्टी लेके नीचे गिरा दी और तोड़ दी। इस टाइप से जो काम किए हैं उन्हीं के वार्ड में हमने ये प्रोग्राम रखा था और अतुल जी ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, लोग भी खुश हो गए और भ्रष्टाचार की जो भी मालिका उन्होंने बताई उसके लिए तो समय भी मतलब पर्याप्त नहीं था, बहुत सारी चीज़ें और भी बोल सकते थे, लेकिन फिर से एक बार हम जरूर बुलाएंगे अतुल जी को और उनका स्वागत जरूर करेंगे। JVLR को लेकर के आपने पत्र लिखा है आयुक्त को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे अभी गोखले रोड जो बंद हो चुका है उसकी वजह से पूरा यहाँ का जो ट्रैफिक है उसको जाने के आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, और JVLR जो ब्रिज है वो बहुत सालों से ऐसे बंद पड़ा है, काम नहीं ठीक से हो रहा है, लेकिन अभी जल्द से जल्द अगर पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, और यहाँ की जनता की भी डिमांड है और मेरी भी डिमांड है कि वो तुरंत हो जाए, और हमारे फडणवीस साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि JVLR का ब्रिज जल्द से जल्द पूरा करने वाले हैं। इसमें फंड को लेकर के ताई आपने बात की है, तो आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार का नजरिए से सोच सकते हैं उस मामले में? इस मामले में जैसे आपने JVLR के MMRDA की तरफ से पैसा ट्रांसफर हुआ है लेकिन उसके बावजूद उस तरीके से काम नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, 50% जो निधि है वो वहाँ पे गया है, लेकिन काम उस 2.5 साल में ही रुका, अभी तो फास्ट हो रहा है, 2.5 साल में जो प्रॉब्लम हुआ वही मैंने बताया और अभी फास्ट हो रहा है और जल्दी होना चाहिए, ही मेरी डिमांड है। आने वाले BMC में क्या नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास, तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे।